दोस्तों, साल 2023 खत्म होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि साल 2023 आपके लिए इंटरटेनिंग रहा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक बॉलीवुड और साउथ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितना पैसा कमाया। साथ ही अभी जानेंगे कि कौन सी फिल्म किस महीने रिलीज हुई। लेकिन आपको बता दें, अकेले दिसंबर के महीने में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई हुई है। साल 2023 में बॉलीवुड की नया पार लगी है। वही बात करें, जनवरी से मई के बीच कौन सी फिल्म रिलीज हुई और कितनी कमाई की। 25 जनवरी 2023 को शाहरुख खान की पहली एक्शन फिल्म पठान रिलीज हुई थी। फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइड 1050 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके बाद फरवरी में कोई बड़ी फिल्म नहीं मिली। साउथ सिनेमा से एक्टर नानी की फिल्म दशहरा ने वर्ल्ड वाइड 118 करोड़ जुटाए थे, तो झूठी मैं मक्कार ने मार्च में रिलीज होकर 220 करोड़ रुपए कमाए। वही अप्रैल 2023 में सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 182 करोड़ कमाए। मई में केरला स्टोरी रिलीज हुई, जिसने सबसे वर्ल्ड वाइड ज्यादा 251 करोड़ का बिजनेस किया था। जनवरी से मई 5 महीनों में बॉक्स ऑफिस पर 1653 करोड़ का कारोबार हुआ था। जून से जुलाई बीच कौन सी फिल्म रिलीज हुई और कितनी कमाई की। वहीं जून में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म सत्य प्रेम की कथा रिलीज हुई, जिसने 125 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। प्रभास स्टारर आदि पुरुष ने 353 करोड़ वर्ल्ड वाइड और विक्की कौशल सारा अली खान की जरा हटके जरा बचके ने वर्ल्ड वाइड 115.89 करोड़ का कलेक्शन किया था। जून में इन तीन बड़ी फिल्मों ने मिलकर 593 करोड़ का कारोबार किया। जुलाई में करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिलीज हुई थी। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की इस फिल्म ने 355 करोड़ रुपए कमाए थे। अगस्त में कौन सी फिल्म रिलीज हुई और कितनी कमाई की। जेलर, गदर 2, ओएमजी 2 और ड्रीम गर्ल 2 अगस्त में रिलीज हुई थी। गदर 2 ने 691 करोड़, ओएमजी 2 ने 221 करोड़ और ड्रीम गर्ल 2 ने वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ बटोरे थे। अगस्त में इन तीन बड़ी फिल्मों का कलेक्शन 1052 करोड़ रहा है। वहीं साउथ फिल्म जेलर ने 650 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं 1052 प्लस 650 करोड़ का टोटल 1702 करोड़ रुपए हुआ। सितंबर में कौन सी फिल्म रिलीज हुई और कितनी कमाई की। फुकरे 3 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म जवान रिलीज हुई थी। फुकरे 3 ने 128.37 करोड़ का बिजनेस किया। सितंबर के महीने में बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई 1276.37 करोड़ रुपए की हुई। अक्टूबर नवंबर बीच कौन सी फिल्म रिलीज हुई और कितनी कमाई की। 12th फेल, थैंक यू फॉर कमिंग और साउथ फिल्म लियो रिलीज हुई थी। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म 12th फेल ने 70 और थैंक यू फॉर कमिंग ने 9.64 करोड़ का कारोबार किया था। वहीं थलापति विजय की एक्शन फिल्म लियो ने अकेले ही वर्ल्ड वाइड 615 करोड़ रुपए कमाए थे। नवंबर का महीना सलमान खान के नाम रहा। 12 नवंबर को दिवाली के दिन फिल्म टाइगर 3 रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 466 करोड़ का कारोबार किया। दिसंबर में कौन सी फिल्म रिलीज हुई और कितनी कमाई की। साल 2023 का दिसंबर महीना बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है। दिसंबर में चार बड़ी फिल्में एनिमल, सैम बहादुर डंकी और सालार रिलीज हुई। सैम बहादुर को छोड़कर तीनों फिल्में अभी भी बॉक्स ऑफिस कमाने में लगी हैं। इन चारों फिल्मों का टोटल 1877 करोड़ रुपए बैठता है। दिसंबर में रिलीज हुई फिल्में एनिमल 886 करोड़ कमाई की है और कमाई अभी जारी है। वही बात करें, सैम बहादुर ने 116 करोड़, शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने 323 करोड़ कमाई की है और कमाई अभी जारी है। सालार पार्ट 1 सीज फायर 550 करोड़ कमाई की है और कमाई अभी जारी है।